फाइनली 2022 की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी का ट्रेलर आ चुका है दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की मूवी ब्रह्मास्त्र के बारे में। 2016 की शेड्यूल मूवी का ट्रेलर आखिरकार आ चुका है। आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों कि इस ट्रेलर में क्या अच्छा था और क्या था बुरा। तो हाय दोस्तों, एवरीवन, वेलकम टू मूवी बेस्ट, जहां आपको मिलेगी नई नई मूवीज और ट्रेलर का रिव्यू। तो बिना देरी किए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रह्मास्त्र अनाउंस हुआ था दोस्तों 2014 में, जिसने लीड रोल में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, लेकिन मूवी डिले होते गई और फाइनल डेट निकल के आई 22 सितंबर 2022। और आज इस मूवी का ट्रेलर आ चुका है। जी हाँ, अगर ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर एकदम बवाल है दोस्तों। इसको देखने के बाद एक ग्रैंड लेवल के इवेंट की वाइब्स आ रही है। लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। मूवी के स्टार कास्ट ही देख लो ना, अमिताभ बच्चन, सुपरस्टार नागार्जुन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट जैसे दिग्गज कलाकार भरे पड़े हैं। यह दोस्तों मूवी को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने। रणबीर के साथ ये जवानी है दीवानी जैसी सुपर हिट देने के बाद होप करते हैं ये मूवी वैसे ही कुछ बड़ा धमाका बिग स्क्रीन पे कर पाए। बताया गया दोस्तों कि मूवी एस्ट्रोवर्स का पार्ट है। बॉलीवुड में रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स और YRF के स्पाई यूनिवर्स के बाद ये थर्ड यूनिवर्स होने जा रहा है। इसके और भी दो पार्ट प्लान किए गए हैं दोस्तों, और वो सब इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नंबर्स पे डिपेंडेंट है। मूवी में हमारे एंशियंट हिस्ट्री का यूज करके जो स्टोरी दिखाया गया है वो सबसे अच्छी बात है। ट्रेलर में जल, वायु, अग्नि जैसे एलिमेंट्स जो कि इस तरह के एक अस्त्र के रूप में बताया गया है, ये बात इस ट्रेलर की सबसे अच्छी चीज है। ट्रेलर में विलेन के रोल में मौनी रॉय हैं, जो कि शायद ये अस्त्र के पीछे पड़ी हुई हैं, और उसको रोकने का काम रणबीर का कैरेक्टर शिवा कर रहा है। अमिताभ बच्चन शायद एक मेंटर की तरह काम करेंगे शिवा के लिए, जो शिवा को उसके शक्ति का यूज करना सिखाएंगे। नागार्जुन जी के कैरेक्टर के बारे में बात की जाए दोस्तों तो वो ज्यादा कुछ ट्रेलर में नहीं बताया गया है, लेकिन वो भी किसी तरह से ये अस्त्र से जुड़े जरूर होंगे। आलिया की बात करें तो लगता नहीं वो सिर्फ लव इंटरेस्ट के लिए रखी गई हैं, अच्छी खासी इंपॉर्टेंट होगी आलिया का कैरेक्टर। तो आते हैं दोस्तों ट्रेलर की मेन टॉपिक VFX पे। तो जब इसका टीजर आया था तब बहुत लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि VFX अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ट्रेलर में VFX अच्छा है दोस्तों। हाँ, मार्वल और DC के मूवी के टक्कर का तो नहीं, लेकिन आप ये देखो उस मूवीज का बजट कितना है और इस मूवी का कितना। हमारे हिसाब से दोस्तों ये VFX बहुत ही सही है और काफी फाड़ू भी दिख रहा है। आयन मुखर्जी का स्टाइल है कलर्स को थोड़ा ओवर सैचुरेटेड से यूज करना, और ये इस मूवी में काम बहुत कर रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो एकदम दमदार है। गाने की बात की जाए तो अरिजीत सिंह है तो गाने तो अच्छे होंगे ही। आखिर में ये कहेंगे कि ट्रेलर एकदम ऑन स्पॉट है, बैकग्राउंड म्यूजिक, विजुअल, सब कुछ बहुत ही अच्छा। और इम्पोर्टेंट बात तो ये दोस्तों कि जब बॉलीवुड रीमेक की तरफ जा रहा है तब ये मूवी एक ओरिजिनल स्टोरी लेके आ रही है, वो भी इंडियन माइथोलॉजी के टच के साथ। VFX और भी बढ़िया हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन इतने बजट में दोस्तों ये बहुत अच्छा VFX है। ट्रेलर में स्टोरी का थोड़ा बहुत हिंट दिया गया है, लेकिन हो वो पूरी स्टोरी यहाँ पे ना बताकर और मूवी के लिए कुछ जरूर रखा होगा उन्होंने। ये मूवी बॉलीवुड के लिए एक होप है दोस्तों, और लगता है कि ये मूवी जो प्रॉमिस किया गया है उसको डिलीवर जरूर करेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। हमारे सारे सोशल मीडिया के हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां हमको फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।